जैसा कि आप लोग जानते हैं कि MIUI 12.5 की जो टेस्टिंग है इस टाइम पे फाइनल स्टेजेस के ऊपर है और मई एंड जून में जो है काफी सारे फोन्स को जो है MIUI 12.5 मिलने वाला है और काफी सारे फोन्स जो है ऑलरेडी जो है उनको MIUI 12.5 का अपडेट जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। जैसा कि जानते हैं कि मई 11 की सीरीज जो है उनको सबसे पहले जो है MIUI 12.5 का अपडेट जो है देखने को मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फाइनली अब तक जो है MIUI 12.5 के अंदर जो है क्या क्या चेंजेस किए गए हैं कि इस टाइम पे देखा जाए तो MIUI 12.5 के अंदर जो चीजें ऐड करनी थी वो मोस्टली ऐड कर दी गई हैं। काफी नए फीचर्स जो है इंट्रोड्यूस किए गए हैं और काफी सारी चीजों को ऑप्टिमाइज किया गया है ताकि आपको एक बेटर परफॉर्मेंस मिल सके अपने Xiaomi के फोन के ऊपर। तो पास कौन सा डिवाइस है और आप जो इस टाइम पे MIUI 12.5 तक कितने टाइम से वेट करें और आपको क्या लगता है कि MIUI 12.5 के सभी फीचर्स जो है आपको देखने को मिलेंगे या कुछ लिमिटेड फीचर्स जो है आपको अपने फोन के अंदर देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट। जैसे कि जानते हैं कि बहुत पहले Xiaomi ने बताया था कि MIUI 12.5 का जो कैमरा होगा उसके अंदर आपको काफी सारे नए फीचर्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप मोर में देख पा रहे होंगे जो हाई एंड डिवाइसेस हैं उनके अंदर आपको काफी सारे नए फीचर्स जो है यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं जैसे नाइट मोड, शॉर्ट वीडियो, पैनोरमा, डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं आपको, ब्लॉग मोड मिल जाता है। ब्लॉग मोड के अंदर आपको काफी सारे ब्लॉग मोड के ऑप्शन मिल जाते हैं जिनके थ्रू जो है आप काफी अच्छे अपने फोन से ही ब्लॉग्स को शूट कर सकते हैं। यही नहीं आपको और भी काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जैसे स्लो मोशन, टाइम लैप्स, स्टिकर्स, आपको AI वाटर मार्क्स मिल जाते हैं जिसके अंदर आप AI वाटर मार्क्स के यूज कर सकते हैं जिसमें आपको जनरल, साइट, हॉलीडेज, सीन या कुछ सिटीज के नाम के आपको यहाँ पे AI वाटर मार्क्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यही नहीं आपको और भी काफी सारे नए फीचर्स जो है इसके अंदर देखने को मिले हैं जो कि क्लोन मोड, इसको आप फोटो के अंदर यूज कर सकते हैं और क्लोन फोटोज क्रिएट करते हैं, क्लोन वीडियोस क्रिएट करते हैं या फिर क्लोन फ्रीज फ्रेम्स जो है इस तरीके की ये नई चीजों को आप यहाँ पे यूज करते हैं। इवन जो गैलरी है उसके अंदर आपको काफी सारे नए फिल्टर जो है इंट्रोड्यूस किए हैं। जैसे कि आप अगर आप गैलरी में जाए तो गैलरी में आपको काफी सारे नए ऑप्शन जो है यहाँ पे देखने को मिलते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए हम जैसे गैलरी में जाते हैं आपको यहाँ पे वीडियो एडिटर तो मिलते थे, अब आपको यहाँ पे मैजिक और आर्ट करके एक नए तरीके के टूल्स मिलते हैं। अगर आप आर्ट पे जाके किसी भी इमेज को सिलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर जो है आप एक अलग सा इफेक्ट जो है अपने फोटोग्राफ्स के अंदर दे सकते हैं जिसके अंदर स्काई बैकग्राउंड हो या कुछ इस तरीके आपके फोटोग्राफ्स हो जिसके अंदर आप कुछ बैकग्राउंड को चेंज करना चाहते हैं उनको आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे हम एक फोटो को एडिट करते हैं इसके अंदर, तो ये देखिए आप इसके अंदर वाटर कलर इफेक्ट दे सकते हैं, RGB कलर टोन दे सकते हैं, ब्लाइंड शेड देख सकते हैं, इसके अंदर फॉगी वेदर कुछ इस तरीके की चीजें आप दे सकते हैं। ये कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पे इसके अंदर इस ऑप्शन में यहाँ पे आपको देखने को मिले हैं जिसको आप आर्ट के सेक्शन में जाके यूज कर सकते हैं। यही नहीं आपको जो मैजिक का टूल है उसके अंदर भी काफी सारे जो है नए फिल्टर्स जो है यहाँ पे दिए गए हैं जिसके थ्रू जो है आप अपने जो बैकग्राउंड है उसको एक तरीके से जो है ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं या जो है उस इमेज का जो बैकग्राउंड है उसको कम्प्लीटली चेंज कर सकते हैं और किसी और बैकग्राउंड के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। देखिए काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जिसके थ्रू जो है आप बैकग्राउंड को कम्प्लीटली यहाँ पे चेंज कर पाते हैं, उनके कलर टोन वगैरह उन सबको आप चेंज कर पाते हैं। यही नहीं अगर आप इमेज के एडिट ऑप्शन में जाएं तो आपको और भी काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। ये देखिए एडिट के ऑप्शन में जाएंगे तो आपको ब्यूटीफाई, क्रॉप, फिल्टर, एडजस्ट, स्काई मोड आपको मिल जाता है। स्काई मोड में भी आपको काफी सारे नए फिल्टर जो अब यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, चाहे डायनेमिक फिल्टर्स हो, चाहे नॉर्मल फिल्टर्स हो, चाहे नाइट फिल्टर्स हो, कुछ इस तरीके का लुक जो है आप अपने फोटोग्राफ्स के ऊपर अब पा सकते हैं। एक आपको डायनेमिक फिल्टर्स जो है विद साउंड इफेक्ट आपको यहाँ पे अब देखने को मिलते हैं। तो फिल्टर्स में आपको काफी सारे नए ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इवन जो वीडियो टूल बॉक्स है उसको भी जो है काफी अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज कर दिया गया है जिसमें आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जैसे रिकॉर्ड, स्क्रीनशॉट, कास्ट, साउंड्स वगैरह, ये कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं जिसमें आप म्यूजिक को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ये बैकग्राउंड उनको प्ले कर सकते हैं, इवन फ्लोटिंग विंडोज को भी आप यहाँ पे इजिली एक्सेस कर पाते हैं। तो ये सब चीजें जो है अब आपको यहाँ पे आपके नए MIUI 12.5 के वर्जन में देखने को मिल जाती है। पर जो चाइना का जो MIUI 12.5 वर्जन है उसके अंदर आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी जैसे देखने को मिलती है, जैसे कि आप इनके जो टैब्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं, उनको डाटा के साथ, उनको स्टेप्स के साथ या अपने हेल्थ के साथ जो इनको आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ये कुछ ऑप्शन भी अब आपको मिल जाते हैं। आप एक ही पेज के ऊपर नोटिफिकेशन और कंट्रोल सेंटर जो है अब आप इजीली यहाँ से एक्सेस कर पाते हैं। जेस्चर्स आपको एंड्रॉइड 11 के ही देखने को मिलते हैं, सारे के सारे जो जेस्चर्स हैं परफेक्टली काम करते हुए आपको मिल जाते हैं। इवन जो रीसेंट टैब है उसको आप हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जो भी यूज करना चाहे वैसे यूज कर सकते हैं। इवन फ्लोटिंग विंडोज का ऑप्शन आपको यहाँ पे भी इसके अंदर देखने को मिल जाता है। पहले के मुकाबले सिक्योरिटी के एप्लीकेशन को भी काफी ऑप्टिमाइज किया गया है, काफी सारे नए इसके अंदर टूल्स ऐड किए गए हैं जैसे क्लीनर, बूस्ट स्पीड वगैरह, जिसके थ्रू जो है आप अपने फोन की जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो MIUI 12.5 के अंदर काफी सारे ऐसे ऑप्टिमाइजेशन किए जा रहे हैं जिसके थ्रू आपको अपने फोन के अंदर काफी अच्छी परफॉर्मेंस मिल सकती है। नए तरीके के गेम बूस्टर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है जो हाई एंड डिवाइसेस है उनके अंदर आपको वॉइस चेंजर भी उसके अंदर आपको वहां पे देखने को मिला है।
अगर उसी तरीके से हम सेटिंग्स पैनल की बात करें तो सेटिंग्स पैनल पे जो है आपको जो है एक कुछ काफी सारी नई चीजें मिली हैं, जैसे वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन में आप एक ही जगह चाह सकते हैं आप अपनी लॉक स्क्रीन, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, आइकन पैड या सुपर वॉलपेपर्स, इन सबको आप इजीली यहाँ पे चेंज कर पाते हैं। जो भी चीज आपको यूज करनी है आप एक ही जगह पे सारी चीजों को एक्सेस कर पाते हैं, जैसे रिंगटोन्स, नोटिफिकेशन, अलार्म्स। एक अच्छी बात है कि आपको एक ही जगह सारे के सारे एक्स चीजें करने को मिल जाती है। उसी तरीके से लॉक स्क्रीन के अंदर आपको काफी सारे ऑप्शन जो ऑलरेडी थे वो मिल जाते हैं, उनको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज किया गया है ताकि परफेक्टली काम कर सके। डिस्प्ले में आपको वही लाइट मोड और डार्क मोड के ऑप्शन जो है यहाँ पे अब दिए गए हैं, जिनको आप यहाँ पे इजीली एक्सेस कर पाते हैं। आपको कुछ फोन्स के अंदर आपको एंटी फ्लिकर मोड मिल जाता है, जो कि एक अच्छी बात है। इससे आपके फ्लिकरिंग वगैरह का जो इशू होता है वो काफी फोन्स में सॉल्व भी हो जाता है। साउंड एंड वाइब्रेशन का लेआउट भी आप देख पा रहे हैं, आपको काफी नई चीजें यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। आपको नोटिफिकेशन में आप कंट्रोल सेंटर को न्यू या ओल्ड जो आप यूज करना चाहें उसको यूज कर सकते हैं। होम स्क्रीन में अगर आप जाएं तो विद ऐप ड्रॉप के साथ आप अपने ऐप ड्रॉप यहाँ पे यूज करना चाहें तो उसको यूज कर लीजिए। जेस्टर्स के बटन जो है अब आपको होम बटन में देखने को मिलते हैं, जहाँ से आप नेविगेशन बटन या जेस्टर्स इनको यहाँ से यूज कर सकते हैं। इवन आप जो है अब रिसेंट टैब जो है उनको भी अपने फोन के अंदर यहाँ से आप यूज करते हैं। ये देखिए हम जेस्टर्स में जाते हैं, जेस्टर्स को यूज करते हैं यहाँ से। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन और मिल जाता है, अरेंज आइटम्स एंड रिसेंट। लॉन्चर जो है पहले से काफी स्मूथ हुआ है, काफी परफेक्टली जो है अब काम कर रहा है। एक तरीके से देखा जाए तो पहले काफी सारे बीटा वर्जन जो लॉन्चर आए थे उनमें छोटे मोटे बग्स आपको देखने के बदले, बट अब जब MIUI 12.5 की टेस्टिंग फाइनल स्टेज पे है तो अब जो है काफी सारी चीजें जो है इसके अंदर इंप्लीमेंट की गई हैं जो कि परफेक्टली काम करें। मैं कुछ चीजें आपको और बताता हूँ, कुछ फीचर्स जो है आपको MIUI 12.5 के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे जो कि MIUI 12.5 बीटा के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। मेरे कुछ फीचर्स को जो है वो आगे चल के MIUI 13 के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये भी एक न्यूज निकल के आ रही है, कुछ फीचर्स आपको MIUI 13 के अंदर और भी एडवांस तरीके से देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ चीजें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि काफी सारी चीजों को ऑप्टिमाइज किया गया है, काफी सारे नए टूल्स, काफी सारे नए गैलरी के अंदर फिल्टर्स वगैरह इन सबको इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि आपके अपने फोन के थ्रू जो है आप काफी सारी चीजों को इजीली एक्सेस कर सके। एडिशनल सेटिंग्स में वही आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, LED लाइट, क्विक बॉल वगैरह। स्पेशल फीचर्स में आप जाए तो आपको और भी चीजें मिल जाती हैं, जैसे गेम टर्बो, इसमें केयर मिलता है। कुछ हाई एंड डिवाइसेस में आपको यहाँ पे वॉइस चेंजर देखने को मिलेगा, आपको वी टूल बॉक्स मिल जाता है। ये सब चीजें जो है आपको यहाँ पे इसके अंदर देखने को मिलता है। तो इस टाइम पे देखा जा रहा है तो MIUI 12.5 के जो बीटा वर्जन है वो काफी स्मूथली काम कर रहा है और बिना कोई प्रॉब्लम आपको ये काफी अच्छी परफॉर्मेंस आपके फोन पे यहाँ पे दे रहा है। हम इसको अपने इस टाइम पे Redmi K20 Pro के अंदर यूज कर रहे हैं और जो कि बिल्कुल परफेक्टली इस टाइम पे काम कर रहा है। जो है अब आप MIUI 12.5 के अंदर जो है काफी सारी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। जो भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल या रिमूव करना चाहें उनको जो है अब अपने फोन के अंदर से आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। इसके थ्रू जो है अब आप अपने फोन के अंदर से काफी सारा जो ब्लॉटवेयर होता है उसको आप इजिली वहां से रिमूव कर सकते हैं। सपोज कि आपको कंपास एप्लीकेशन नहीं चाहिए आप उसको अनइंस्टॉल कर। तो इस तरीके से काफी सारी ऐसी एप्लीकेशन जिनको आप यूज नहीं कर सकते हैं या यूज नहीं करते हैं उनको आप इसलिए जो है अब अपने फोन के अंदर से आप रिमूव करते हैं। बट कुछ एप्लीकेशन आपको फोन के अंदर वो रहेंगी, जैसे ब्राउजर वगैरह हो गए वो आपके फोन के अंदर ही रहेंगे। जैसे कि आप देख पाओगे हेल्थ एप्लीकेशन को भी आप इवन यहाँ से अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप अनइंस्टॉल कर दिया तो वापस इनको आप गेट ऐप से इंस्टॉल भी कर सकते। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कि इस टाइम पर जो MIUI 12.5 के अंदर जो फीचर्स आपको देखने को मिल रहे हैं क्या वो आपको इंडियन वर्जन में देखने को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।